ये राजधानी देहरादून का गांधी पार्क है और आप देख सकते हैं गांधी पार्क में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर, यानी कि गैरसैंण में राजधानी बनाए जाने को लेकर प्रवीण काशी जी पिछले दो दिनों से आमरण अनशन पर हैं। आखिरकार वो क्यों चाहते हैं कि राजधानी गैरसैंण बने, उस पर हम बात करेंगे उनसे। सर, आपकी क्या चाह है कि राजधानी गैरसैंण में बने? ये मेरी चाह नहीं, पूरे उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो राज्य बना ना, वो इसी भावनाओं से बना कि पहाड़ के लोग पहाड़ के बीच में बैठेंगे। उसके लिए कुर्बानियाँ दी लोगों ने, रामपुर तिराहा कांड, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड हुए, 42 लोगों ने शहादतें दी, माताओं बहनों ने जो जेल में गए, लाठियाँ खाए, गोली खाए लोग, तब जाके राज्य बना। लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होके ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे देहरादून में वापस यहीं पे बैठे हुए 21 साल से। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या होती है कि जिन भावनाओं से उत्तराखंड राज्य बना, गैरसैंण में बैठना था, इन्होंने उस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। ऐसा काम जो है ना अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेजों को दो दो राजधानियां चाहिए थी क्योंकि वो जनता के लिए, उन्हें काम तो करना नहीं था हिंदुस्तानियों के लिए, उन्हें तो अपने लिए करना था ना, अपने ऐशो आराम के लिए। उसी तर्ज पर ये जो सरकार है वो चल रही। हमारा ये कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए, जिसके लिए कुर्बानियाँ हों, जिसके लिए बलिदान दिए गए, और एक राज्य में सिर्फ एक ही राजधानी। आप जो है, कई लोग कहेंगे जो देहरादून के हैं, कई लोग जो हरिद्वार के हैं, उत्तरकाशी के, वो कहेंगे कि नहीं, हमसे राजधानी दूर हो जाएगी। उनको, उनके लिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान की एक ही राजधानी नई दिल्ली। कभी तमिलनाडु के लोग नहीं कहते कि हमसे दूर हो जाएगी, राजधानियाँ दूर नहीं होती। बंगाल के लोग नहीं कहते हमसे दूर है राजधानी दिल्ली। दिल्ली या कोई भी राजधानी जो है वो नीतियों को बनाने के लिए होती है। सर, एक चीज़ और है, आपने कहा कि उसको स्थायी राजधानी बना दिया जाए। जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी कहती थी हम बनाएंगे, जब बीजेपी थी तो कांग्रेस कहती थी हम बनाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल तो जब से बना वो कहता हम ही बनाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये राजनीतिक दल केवल उसका फ़ायदा लेते हैं, बनाते कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है जनता के साथ, वोट लिया और कहा कि हम पहाड़ के लिए काम करेंगे, पहाड़ में बैठेंगे, वो अभी तक नहीं किया। और ये हो रहा है, हर बार हो रहा है। और लेकिन जो सबसे बुरा हुआ ना, वो ग्रीष्मकालीन बना दिया गया। आप ये समझिए, जिसके ऊपर आपने सर्टिफाई कर दिया कि ये राजधानी हमारे लिए जो है पिकनिक मनाने का है, ग्रीष्म गर्मियां लगेंगी तो मैं चला जाऊंगा, तो त्रिवेंद्र सिंह सरकार में जो बहुत खतरनाक काम हुआ उसे ग्रीष्मकालीन बनाया गया। हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, जो नौजवान हैं, समझते हैं और तमाम फाइलों को क्लियर कर रहे हैं, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं, भैया आप रोजगार कैसे देंगे? आप जो सड़कों के गड्ढे कैसे ठीक करेंगे? आप हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीनें कैसे देंगे? जब आप टैक्स का पैसा दो राजधानियों में ख़त्म करके, बर्बाद करके, सबके रोज़गार ख़त्म हो गए इस कोरोना काल में। नौजवान जो है ईएमआई पे मोबाइल तक खरीद रहे, वो अपना पैसा नहीं दे पा रहे। आज सर्टिफिकेट और डिग्रियाँ लेके हमारी बहन देखो गोल्ड मेडल ली हुई हैं, उनको नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कहते हैं कि बजट ही नहीं है, पैसा नहीं है। तो आप जब पैसा नहीं है उस राज्य में, आप दो दो राजधानी कैसे बना रहे? दो राजधानी बनाना जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। आप बताएं ना कि टैक्स का पैसा आपके, उस टैक्स के पैसे से आपके जो नौकरी मिलनी थी, नौकरी परमानेंट होनी थी, सैलरी मिलनी थी, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा प्रवीण जी, आप इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं? सबसे बड़ी गलती सरकार की है। कौन सी सरकार की? जो अभी भाजपा सरकार है, जिसने दो राजधानी बनाई है। अभी जो सरकार है उसी से तो कहेंगे ना, जो नहीं है उससे कैसे कह सकते हैं? जहां उन्होंने भी नहीं किया, अगर वो अभी वादे कर रहे हैं जो दूसरे लोग कि अब हम बना देंगे, तो हम उनको यही कहेंगे कि आप कैसे बना देंगे, आपको पहले बनाना था ना। सरकार, जनता ने आपको मौका दिया, आपने नहीं बनाया, तो अभी भी आपके ऊपर डाउट है, जनता इसीलिए डाउट कर रही। लेकिन ये और खतरनाक हुआ है, इसको करेक्ट करना, पॉलिटिकली करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एक राज्य में एक ही राजधानी। जब राज्य एक है तो एक राजधानी होनी चाहिए ना। दो राज्य बना दो ना, फिर कुमाऊं को अलग बना दो, गढ़वाल को अलग बना दो, या हरिद्वार और देहरादून को अलग राज्य बना दो आप नीचे। एक चीज़ और, आप यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए, कोई मिलने भी आया आपको? आपकी सुध भी ली किसने कि क्यों बैठे हुए भाई, क्या वजह है? नहीं, अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। नहीं, इससे पहले हम जेल भी गए, 14 दिन हम चमोली जेल में रहे, उससे पहले भी हम लोगों ने अनशन आंदोलन किए, और आंदोलनों का ही दबाव रहा कि उस सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह सरकार को एक जो है आफत में उसको राजधानी की जगह ग्रीष्मकालीन घोषित कर दी। तब अच्छा, चुनाव आपका एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कब से आपने आंदोलन किया और क्या लगता है आपके आंदोलन से सरकारों ने कोई फैसले लिए? लिए तो गलत लिए, सही लिए? नहीं, आंदोलन हम जो है 2017 से, जब त्रिवेंद्र सिंह की सरकार आई थी
तब से हम लोगों ने शुरू किया कैंपेन, अनशन से शुरू किया आंदोलन से, फिर हमने घेराव भी किया, हमने जो है धरने दिए। ऐसा नहीं, जो लोकतांत्रिक जितने भी तरीके हैं आंदोलन के वो सारे तरीके हमने अपनाए, लेकिन इस सरकार की बुद्धिमत्ता के ऊपर हमें हंसी आती है कि आप जो है समस्याओं का समाधान दो राजधानी में कैसे ढूंढते हो। पहाड़ पलायन सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। बिल्कुल, पलायन बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ खाली हो रहे। आप ये बताओ कि वो कागज पे पलायन आयोग बना दिया, जो सरकार खुद ही ठंड लग रही, सत्र नहीं कर रही। 29-30 तारीख को सत्र होना था, सारे विधायकों को ठंड लग रही, मंत्रियों को ठंड लग रही, वो जो गैरसैंण में खुद ही नहीं बैठ रहा, जो सरकार ही पहाड़ से पलायन होके यहाँ बॉर्डर में प्लेन में बैठी हुई, वो सरकार जो है कैसे पलायन के ऊपर काम करेगी? कागजी है ना, झूठ है। ठीक, एक जब तक जो है पहाड़ के लोग पहाड़ के बीच में नहीं बैठेंगे। खेती बाड़ी की समस्या है, खेती बाड़ी सुअर बंदरों के भेंट चढ़ रहे रोज आते है ना, इवन कि आपको ये सुनने, बाघ जो है बच्चों को खा ले रहे, लेकिन जब तक मंत्रियों के बच्चों को बाघ नहीं खाएंगे, जब तक मंत्रियों अधिकारियों के बच्चों को बाघ नहीं खाएंगे, बाघ की समस्या भी सॉल्व नहीं होगी। सड़कों से गड्ढों से जब तक जो है ना इनकी गाड़ियां नहीं गुजरेगी, एक आध गाड़ी अधिकारी की, एक आध मुख्यमंत्री की गाड़ी नहीं गिरती जब तक खड्डे में, ये नहीं ठीक करेंगे उन सड़कों को, है ना। यहाँ पे सवाल ये है कि जब तक आप, कबीर दास ने एक बात कही, जाके पाँव न फटे बेवाई ते का जाने पीर पर आई, तो जब तक जो है ना इनके साथ वो समस्याएं नहीं होती, इनके बच्चों के साथ नहीं होती, जनता के साथ ऐसे ही ये छलावे करते रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो इनको पहाड़ में बैठना पड़ेगा, पहाड़ में बैठेंगे तब जाके आप क्या लेके आएंगे, उन समस्याओं का समाधान। आप जब तक देखिए, तीन तीन दिन तक, चार चार दिन तक पानी नहीं है, आप गैरसैंण चले जाइए जिसे ग्रीष्मकालीन बनाया है, वहाँ पे तीन तीन चार चार दिन तक पानी नहीं है पीने का, वहाँ पे अधिकारी नहीं मिलता ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए, बच्चे अपना रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं फॉर्म, तो आप सोचें कि जब उतना छोटा कर्मचारी नहीं मिल रहा तो इनको SDM कहाँ से मिलेगा, है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये समस्याओं के लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री खुद बैठना पड़ेगा। ये सरकार तो कह रही है कि हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रहने की व्यवस्था बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। कागज पे बहुत बनाया है, 75-76 हज़ार करोड़ का कर्जा हो गया, कागज पे सारी योजनाएं बनाई, तभी तो इतना कर्ज हुआ है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है, और इन्होंने देवभूमि में हर गाँव तक शराब के ठेके पहुँचाए, उसमें भी कसर नहीं छोड़ी। सड़क स्वास्थ्य स्कूल, वो सड़क जरूर बनाई चार धाम योजना के लिए बना रहे, लेकिन गांव के लिए जो सड़क जाती, जो उत्तराखंड के लोगों की जो सड़क है वो नहीं बन पाई। ठीक है, रेलवे जा रही है, राजधानी नहीं जा पाई। आप सोचेंगे, आप ये तर्क देते हैं, कहते हैं कि ये जो है भूकंप जोन के अंदर आता है हमारा गैरसैंण, ये देहरादून भी उसी जोन में आता है। रेलवे चली गई, रेलवे का प्रोजेक्ट पता कितने हजार करोड़ का, 13,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट है वो। रेलवे जा रही है उतने हजारों करोड़ का, चार धाम योजना जा रही, लेकिन आप वहीं कर्णप्रयाग से गैरसैंण राजधानी के लिए जो सड़क है उसमें खड्डे हैं, 40 किलोमीटर का वो सड़क है। लेकिन जब सत्र होता तब तो उसे पूरा काला कर दिया जाता है, तो क्या क्या उसमें भी घपला है? रंगने में तो स्याही लगती है ना, स्याही तो लगा देते हैं, स्याही पोत दी जाती है। अगर स्याही नहीं होती तो सड़कों में खड्डे थोड़े होते। अंग्रेजों के टाइम के जो पुल बने हुए, जो सड़कें बनी हुई, उसमें आप देखिए आज भी गाड़ियां चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने चलने के लिए बनाते थे। अंग्रेजी हुकूमत जो है ना, जो भी काम करी, सड़क की या पुल बनाई है, वो पुल आज भी ओवरडेट होके भी चल रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार जो सड़क बनाती है, जो पुल बनाती है, उसके साल भर के डेढ़, अब ये स्मार्ट सिटी के अगल बगल आप सड़कें बनी हैं, ये नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके गए ना, आप जाके देख के आइए जो सड़कें बनी हैं, और ये पड़ोस में आपके स्मार्ट सिटी का ये भी हाल है, आप जाके देख आइए। अगर वो अगले बरसात में वो सड़कें बह नहीं गई, है ना, क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी को चलना नहीं है ना, उस सड़क पे ना तो धामी को चलना, ना नरेंद्र मोदी को चलना, तो सड़क तो बह जाएगी। तो सवाल ये है कि जब तक मंत्रियों को आप अपने बीच में नहीं बिठाएंगे साहब, जब तक आप जो है ना अपने अधिकारियों को, मंत्रियों के, केवल मंत्री विधायक नहीं, विधायक मंत्री तो ये कहेंगे हम तो 5 साल में चुन के अगली बार हार जाएंगे, लेकिन ये जो अफसर है ना, ये जो सचिवालयों में बैठे हुए सचिव हैं, ये हजारों हजार करोड़ का गबन करके बैठे हुए जो सचिव हैं, इनको नहीं बैठाओगे पहाड़ के बीच में? ये खेती बाड़ी के लिए कोई कृषि नीति नहीं बनाएंगे, पहाड़ के लिए कोई उद्योग नीति नहीं है। आप देखिए उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में सिडकुल जो बने हैं, उधम सिंह नगर से उठा लीजिए हरिद्वार और देहरादून में बैठ, गांव के गांव खाली नहीं होंगे, काम ही नहीं है, पर्वतीय उद्योग नीति है ही नहीं। अगर यहाँ के सरकार विजनरी होती, सरकार समझदार होती, संवेदनशील होती ना अपने लोगों के लिए। अच्छा सर, ये सब ठीक है, कब तक बैठेंगे आप यहाँ? देखिए लड़ाई है, संघर्ष है, सांस चल रही है, हम तो बड़ी बड़ी बातें करना जो ठीक नहीं है, नहीं तो नेताओं में और आंदोलनकारियों में अंतर नहीं होगा ना, वो भी वायदे कर रहे हैं, हम भी वायदे करेंगे, तो हम लोगों में कोई फर्क नहीं होगा। हम इतना ही कहेंगे, हम लड़ रहे और लड़ रहे और लड़ेंगे।
ठीक है, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कल जो है हम यहाँ पे आपके यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा नहीं कर रहे, यहाँ से दंडवत जाएंगे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे देवता धामी जी, आप समझो कि आप उत्तराखंड के लिए बने हो, आप गैरसैंण में आपको बैठने के लिए बनाया गया, आप पहाड़ के राजकुमार हैं तो पहाड़ के बीच में बैठिए राजा साहब, है ना, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो दंडवत करके जाएंगे, क्या पता देवता खुश हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण काशी जी, जिन्होंने बताया कि गैरसैण को लेकर वो लगातार इसी तरीके के आंदोलन करते रहेंगे जब तक स्थायी राजधानी गैरसैण राज्य सरकार नहीं बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।